स्वागत है एक बार फिर से। इस वीडियो में हम रीजनिंग के पांच बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो कि सभी कोर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो एग्जाम के पहले एक बार वीडियो जरूर देख लें क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो एक भी क्वेश्चन मिस ना करें, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि ब्लेंड को लिखा गया है ENHPG, तो उसी भाषा में विनर को कैसे लिखेंगे। तो अच्छा क्वेश्चन है कि एक कोड के तरीके से ब्लेंड को क्या लिखा गया है, ENHPG। तो ये कैसे लिखा गया है ब्लेंड को, तो जिस प्रकार से ये लिखा गया है उसी प्रकार से विनर को भी लिखा जाएगा। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि ब्लेंड को ये जो लिखा है ENHPG ये कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं BLEND और लिखा गया है ENHPG। अब बी से ई कितने बार में आता है, तो तीन प्लस करेंगे तब हमारा ई आएगा। बी से ई कब आएगा, तीन प्लस करने पर BCDE मतलब तीसरे नंबर पे आता है। फिर उसी प्रकार एल से एन कितने में आता है, तो ये दो बार प्लस करने पर आता है। ई से एच कितने में आता है, तो ये तीन बार प्लस करने पर आता है। एन से पी कितने में आता है, तो एन से पी आता है दो बार प्लस करने में। पी से जी, डी से जी कितने में आता है, ये प्लस तीन करने पर आता है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं एक बार तीन जुड़ रहा है, एक बार दो जुड़ रहा है, एक बार तीन जुड़ रहा है, एक बार दो जुड़ रहा है, एक बार तीन जुड़ रहा है। तो मतलब अल्टरनेट क्रम में पहले तीन फिर दो फिर तीन फिर दो इस प्रकार से जोड़ रहा है। तो यही तरीका हम सेम विनर में भी अपनाएंगे। तो विनर में अपनाएंगे तो क्या होगा, WINER होता है विनर। और पहले हम क्या करेंगे, पहले हम तीन को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, W से तीन करेंगे तो ये हमारा Z आएगा। I में हम इस बार दो जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा K। N में हम फिर इस बार तीन जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा क्यू। एन में फिर हम एक बार दो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, दो जोड़ेंगे एन में तो ये हमारा आएगा पी। ई में हम फिर तीन जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा एच। और आर में फिर दो जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा टी, जेड के क्यू पी एच टी। तो ये देख सकते हैं ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ZKQPHT ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल ही राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करेंगे तो ये भी पता होना जरूरी है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि V 44 है और FAT 54 है तो आप लेट को कैसे कोडबद्ध करेंगे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। V आता है 22 नंबर पर, V आता है 22 नंबर पर, इसका 2 से मल्टीपल करेंगे तो हमारा 44 होगा। इसी प्रकार FAT की अगर बात करें तो F हमारा कितने पे आता है, F आता है 6 नंबर पे, A आता है 1 नंबर पे, और T की बात करें तो ये आता है हमारा 20 नंबर पे। तो 20 से 26 एक 27, 27 हो जाएगा, 27 का मल्टीपल 2 से करेंगे तो हमारा 54 आ जाएगा। तो इसका मतलब पहले उन संख्याओं के क्रम से लिखेंगे, मतलब क्रम में कितने नंबर पे आता है, बाद में 2 से मल्टीपल करेंगे तो संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार अगर लेट की बात करें, LATE, तो लेट में L जो है, L आता है 12 नंबर पे, A आता है 1 नंबर पे, T आ जाता है 20 नंबर पे आता है T, और E आता है 5 नंबर पे। तो 12 एक 13, 13 20, 33, 33 5, 38, 38 हो जाएगा। इसका मल्टीपल हम कितने से करेंगे, 2 से करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 76। ऑप्शन जो इसका फोर्थ है बिल्कुल ही राइट आंसर है, ऑप्शन फोर्थ 76। तितलियाँ लेप्टोप्टेरिस्ट, तो ये जिस प्रकार से संबंधित है उसी प्रकार से इनमें से कौन सा सही संबंध है, सही संबंध बना हुआ है। तो मानचित्र मानचित्राकार, क्रोमोसोम वनस्पति शास्त्री, गहने जौहरी, या फिर पोस्ट कार्ड डेल्टियोलॉजिस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ, पोस्ट कार्ड जो होता है डेल्टियोलॉजिस्ट, ये सही संबंध है जिस प्रकार से तितलियां लेप्टोप्टेरिस्ट से संबंधित है। चौथा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक सीरीज दी गई है और इस सीरीज में
कुल कितनी संख्याएं हैं और बीच बीच में जो संख्या छूटी है इनमें कौन सी संख्या होगी, कौन से अंक भरे जाएंगे, तो ये हमको ध्यान देना है। और देख सकते हैं ये जो पूरी सीरीज है इसमें टोटल 20 अक्षर हैं, 20 अक्षर हैं। 20 अक्षर को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 4 पार्ट में करेंगे या फिर 5 पार्ट में करेंगे, तो ये अच्छा रहता है, ऐसे एक सीक्वेंस बन जाता है, सीरीज हमारी बन सकती है। तो हम क्या करेंगे, इसको 5 5 में 4 पार्ट कर लेंगे, 5 5 में 4 पार्ट। तो यहाँ पर एक पार्ट ये हो जाएगा डी से, फिर यहाँ से यहाँ पर ये 2 संख्याएँ हैं, यहाँ पर जो बड़ा है ये 2 संख्याएँ हैं, तो यहाँ पर एक पार्ट ये हो जाएगा, यहाँ पर छूटा हुआ है, फिर एक पार्ट ये हो जाएगा। अब देख सकते हैं जो पहले में सब में ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, ये जो छूटा है यहाँ पर भी ए हो जाएगा, और यहाँ पर भी शुरुआत में ए है। अब दूसरे नंबर पे बी है यहाँ पर, तो बी दूसरे में यहाँ भी बी है, तो यहाँ पर भी बी है और यहाँ भी बी है, दूसरा फुल है। तीसरा यहाँ पर सी है, यहाँ पर हमारा एक छूटा है तो यहाँ पर एक सी हो जाएगा, और यहाँ पर भी छूटा है तो यहाँ पर भी सी हो जाएगा, यहाँ पर छूटा है तो यहाँ पर भी सी हो जाएगा। अब चौथा देख सकते हैं, चौथा भी यहाँ पर सी है, यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट वाले पार्ट में चौथे में सी है, तो पहले में भी यहाँ पर सी होगा और यहाँ पर दूसरे में भी सी होगा और बाकी तो कंप्लीट है। और लास्ट में यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट वाले पार्ट में देख सकते हैं लास्ट में यहाँ पर डी है, तो यहाँ भी लास्ट में डी हो जाएगा। तो मतलब हम कह सकते हैं कौन कौन सी संख्याएँ आई हैं, पहले सी आया है, फिर उसके बाद सी आया है, फिर उसके बाद सी आया है, फिर ए आया है, फिर सी आया है, फिर सी है, फिर डी है, मतलब ट्रिपल सी है, फिर ए है, फिर ट्रिपल सी, फिर डी। तो ऐसा कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, देख सकते हैं ये ट्रिपल सी ए, डबल सी, फिर डी, तो ये हमारा है ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर है, देख सकते हैं बिल्कुल ही मैच कर रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये भी आपको बहुत ही अच्छे से पता होना जरूरी है। और लास्ट क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 8 20 34 76 142 फिर क्वेश्चन मार्क, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको बताएंगे और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो देख सकते हैं 5 लिखा है, 5 के बाद 8 है, फिर 20 है, फिर 34 है, फिर 76 है, फिर 142 है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 से 8 जो आया है ये कैसे आया है, इसका मल्टीपल 2 से करेंगे, बाद में 2 को घटा देंगे, मतलब 5 का 10 हो जाएगा, 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 आएगा। अब 8 से 20 कैसे आया है, 2 से मल्टीपल करेंगे और इस बार हम क्या करेंगे, 4 जोड़ेंगे। पहले हमने 2 को घटाया, इसके बाद 4 को जोड़ा, मतलब पहले 2 था, फिर इसके बाद 2 के गुणांक हुए, 2 का गुणांक क्या होगा, फिर 4 हो जाएगा, लेकिन पहले हम घटाए थे, इस बार हम जोड़े हैं, तो 20 आ गया। अब 20 से 34 कैसे आएगा, फिर हम इसका मल्टीपल 2 से करेंगे, लेकिन इस बार 6 को घटा देंगे, मतलब 2 का मल्टीपल चल रहा है, पहले 2 फिर 6 फिर 2 4 फिर 6, पहले घटा रहे हैं फिर जोड़ रहे हैं फिर घटा रहे हैं, इस बार फिर जोड़ेंगे। अब जोड़ेंगे कितना, 8 जोड़ेंगे, तो 34 का मल्टीपल करेंगे 2 से, तो कितना आएगा, 68 हो जाएगा, 68 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो हमारा 76 हो जाएगा। इस बार अगली बार क्या करेंगे, फिर 2 से मल्टीपल करेंगे और 10 को घटा देंगे, तो 76 दूनी हो जाएगा 152, 152 में से 10 घटाएंगे तो 142 आएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, 142 के बाद क्या करेंगे, 2 से मल्टीपल करेंगे और 12 को जोड़ देंगे, तो 142 का मल्टीपल अगर 2 से करेंगे तो कितना आएगा, तो 142 का मल्टीपल 2 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 284, 284 में 12 को अगर ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 296, 296। तो ये देख सकते हैं राइट आंसर जो है ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, सी वाला 296। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।